दोस्तों आपने एक बात पर गौर किया, अपने इंडिया में कितने बड़े बड़े धोखे फ्रॉड हुए, लेकिन इन सभी फ्रॉड में एक बात बहुत ही गौर करने वाली रही, वो ये कि सभी फ्रॉड करने वाले ज्यादातर लोग लंदन भाग जाते थे। आपको याद ही होगा कि नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ लगभग 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया। इससे पहले कि बैंक से किया गया ये गबन लोगों के सामने आता, वो लंदन भाग गया। दूसरा नाम था विजय माल्या का, जिसने काफी बड़े स्तर पर फ्रॉड किया। उसे बैंक का काफी पैसा वापस करना था, पर यह भी शातिराना तरीके से लंदन भाग गया। तीसरा नाम है ललित मोदी का, जो आईपीएल फ्रॉड में उभर के सामने आया। ललित मोदी पे जो आरोप लगे, उनको साबित होने से पहले ही वो लंदन भाग गया। दोस्तों बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, इंडिया के अलावा भी दुनिया भर के अपराधी या फ्रॉड करने वाले हत्यारे अपराध करने के बाद लंदन भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों लंदन जाकर बसने वाले भगोड़ों में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी नाम आता है। आखिर क्या वजह है ये सब लंदन भाग जाते हैं? क्योंकि दोस्तों भगोड़े अपराधियों का यूके में स्वागत किया जाता है। इसके पीछे भी एक वजह है, कोई भी अपराधी अगर किसी और देश से फ्रॉड करके और खूब सारा पैसा लेकर आता है तो यूके उसका वेलकम बड़े खुशी खुशी करता है। बस शर्त यही है कि अपराध कोई भी हो, आपके पास पैसा बहुत सा होना चाहिए। बहुत सारा पैसा लाने वाले को यूके तरह तरह की फैसिलिटी देता है, उन्हें गोल्डन वीजा अवेलेबल करवाता है। करीब 2 मिलियन पाउंड यूके में इन्वेस्ट करने पर आप गोल्डन वीजा के हकदार हो जाते हैं, जिसकी बदौलत आपको वहां सालों तक रहने की इजाजत मिल जाती है। इसके साथ कई तरह की सुविधाएं भी स्टेपल होती है, जिसके चलते फ्रॉड करके बेशुमार पैसा लाने वाले की चांदी हो जाती है और वो यहाँ रिलैक्स होकर लाइफ टाइम की जिंदगी गुजार सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जो इस तरह से अपने इकोनॉमी में बढ़ोतरी करने की फिराक में लगे रहते हैं। ये ऐसे देश हैं जो किसी और कंट्री से फ्रॉड करके आए अपराधी को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उन्हें अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी देखनी है, ना कि दूसरों के ऐब। दोस्तों यही वजह है कि बीते 40 सालों में लंदन फ्रॉड करके आने वालों के लिए शरण स्थल ही बना हुआ है। ये अपराधियों का मोस्ट आइडियल स्थल बन चुका है, इसलिए फ्रॉड करके तुरंत लंदन यानी यूके भाग जाना क्रिमिनल का पहला मकसद होता है। इसके बाद चलती रही अपराधियों के प्रत्यारोपण की बातचीत सालों साल, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों स्विट्जरलैंड भी यूके के अलावा एक ऐसा देश है जो सीक्रेसी के नाम का हवाला देकर लोगों को काला धन स्विस बैंक में डिपॉजिट करने को मान्यता देता है, क्योंकि इससे स्विट्जरलैंड को अपनी इकोनॉमी और अपनी जीडीपी बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे उसका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत हो जाता है। ठीक ऐसे एक और देश है मॉरिशस। मॉरिशस भी इस किस्म की गतिविधियों में डूबा रहता है। तमाम तरह के फ्रॉड करने वाले डिफॉल्टर मॉरिशस में कंपनी के बहाने अपने काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करते रहते हैं। अगर आपको ब्लैक मनी को सफेद बनाना है, स्विस बैंक में डिपॉजिट कराना है, मॉरिशस में कंपनी स्थापित करनी है और उस कंपनी के बहाने से भारत में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सब बहुत आसान तरीके से इन देशों में हो जाता है। अपराधी को सिर्फ फ्रॉड करके सिर्फ इन देशों की तरफ भागना ही होता है। दोस्तों लंदन में बसे तमाम फ्रॉड करने वालों में अपने भारत के भी लगभग 131 लोग हैं, जिनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूके से गुजारिश की कि वो भारत के इन 131 अपराधियों को भारत के हवाले कर दे, जो जालसाजी, मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखेबाजी जैसे अलग अलग अपराधों में संलिप्त है। मगर अफसोस की बात कि सिर्फ 131 लोगों में से 1% लोगों को ही इंडिया के हवाले किया गया। दोस्तों सिर्फ विजय माल्या, नीरव, ललित मोदी ही नहीं बल्कि भारत के कई अपराधी वहां से भागकर लंदन को अपनी ऐशगाह बनाए बैठे हैं। इनमें एक नाम टाइगर हनीफ का भी आता है, जो 1993 में गुजरात ब्लास्ट के मामले का दोषी है। आपको शायद एक नाम नदीम सैफी का भी याद होगा, जो टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या का आरोपी है। नदीम सैफी भी लंदन में छुआ बैठा है। और याद कीजिए यस बैंक का वो मामला, जिसमें यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर और उनकी बेटियों पे अलग अलग आरोप लगे थे, और जब इन आरोपों की सच्चाइयां जग जाहिर होने लगी तो राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर ने लंदन भाग जाने का सोचा, और वो सचमुच एयरपोर्ट के लिए निकल भी गई थी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें लंदन जाने से रोक लिया। जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने जब जब देश के तमाम भगोड़े अपराधियों के प्रत्यारोपण के बारे में यूके से बात की, तो अपराधियों का वेलकम करने वाली यूके गवर्नमेंट ने तरह तरह के कारण बताकर अपराधियों के प्रत्यारोपण के लिए इनकार कर दिया। उसका यहाँ तक कहना है कि वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट सिग्नेटरी है, जिसके चलते उनका कहना है कि अगर ब्रिटिश कोर्ट को लगता है कि इससे किसी पर्सन को टॉर्चर किया जा सकता है या उसे डेथ पेनल्टी हो सकती है या फिर राजनीतिक कारणों से कोई देश उन्हें मांग रही है, तो फिर ब्रिटिश कोर्ट उन लोगों को सम्माननीय देश के सुपुर्द नहीं करती। यानी यूके अपराधियों को बचाने के लिए यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स का हवाला देती है, जबकि भारत ऐसा नहीं करता, बल्कि भारत को तो इंक्वायरी के लिए भगोड़े लोग चाहिए होंगे। दोस्तों अगर आप ब्रिटिश कोर्ट और यूके गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन पर गौर करेंगे तो यही पाएंगे। और विजय माल्या की जो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया है उसे न हो सकने की वजह है ब्रिटिश कोर्ट का दखल।
जिसका कहना है कि इंडिया की जो जेल्स हैं वो विजय माल्या के लिए सही नहीं है। 1993 में भी एक फ्रॉड का एक मामला सामने आया जब जतिंदर अगुराला नाम के व्यक्ति ने बैंक का फ्रॉड किया था और इंडिया से भागकर लंदन में पनाह ली। तब इंडिया ने उसे सौंप देने की बात कही, पर ब्रिटिश कोर्ट ने कहा चुनांचे इस केस के बीच काफी टाइम बीत चुका है तो इसलिए जतिंदर आपके हवाले नहीं किया जा सकता। यहाँ थोड़ा रुकते हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ आप ब्रिटिश कोर्ट को कुछ कहना चाहते हैं तो सोच लीजिए आपको वीडियो के आखिर में क्या कहना है। 1984 मोहम्मद असलम मिर्जा नाम के एक आतंकवादी ने यूके में मौजूद इंडिया के डेवलपर रविंद्र मात्रे का मर्डर किया था, जिसके लिए उसने कोर्ट में कमजोर याददाश्त का हवाला दिया कि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा, और इसी संदेह का लाभ उठाते हुए कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। और दोस्तों अगर बात यूएस की जाए तो यूएस के साथ ऐसा कुछ पेश नहीं आता। सन 2009 से लेकर 2011 के बीच तक जब यूएस ने यूके से अपने 130 लोगों को उनके हवाले करने की रिक्वेस्ट की थी तो उनमें से 10 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ ये बात भी साबित होती है कि और भी ये निर्भर करता है कि सामने वाला देश कौन सा है और उसका दबाव यूके पे कितना है। रशिया की बात करें तो एक वक्त रशिया भी इंडिया की तरह समस्याओं का सामना कर रहा था, यानी रशिया में भी अपराधी और फ्रॉड करने वाले अपने अपराध को अंजाम देकर यूके भाग जाते थे, मगर भाग्य ने जैसे रशिया का साथ दिया उनकी ये समस्या खुद ही दूर हो गई, या यूं कहें कि उसने खुद उसका हल निकाल लिया। हुआ यूं कि 2003 में रशिया के दो बिजनेसमैन फ्रॉड करके यूके भाग गए थे। रशिया ने यूके से रिक्वेस्ट की कि यूके उसके अपराधियों के उनके हवाले कर दे, मगर यूके ने इनकार कर दिया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही वो दोनों बिजनेसमैन यूके में अपने घर में मरे हुए पाए गए। इसके बाद ही रशिया से अपराध कर भाग कर यूके आने वाले मामले रुक गए। आई कुछ समझ में? भारत की बात की जाए तो ना ही अपराधियों और फ्रॉड करने वाले पर नकेल कसी जाती है और ना ही इस मामले में वो यूके पे कोई खास दबाव देता है। इस ढील का नतीजा है कि भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी वहां ऐश कर रहे हैं। विजय माल्या ने तो वहां 11.5 मिलियन का बंगला भी बना लिया है। दोस्तों भागे हुए तमाम भगोड़ों ने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं, पर क्या आप जानते हैं कई बार ऐसे ही फ्रॉड के चलते कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं या फिर बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। दोस्तों समय रहते ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे लोग फिर कभी ऐसी हरकत ना कर पाएं, क्योंकि गबन किया गया पैसा टैक्स पेयर्स का है। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है और नीरव मोदी ने इस बैंक को 14,000 करोड़ की चपत लगाई थी। बाद में पीएनबी को चलाने के लिए सरकार को ही अपने पास से पैसा पीएनबी बैंक को देना पड़ा, यानी कि नीरव मोदी की वजह से जो भी नुकसान पीएनबी को हुआ वह टैक्स पेयर का ही पैसा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि फ्रॉड करके लंदन भाग जाने का ये सिलसिला क्यों जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।